सनातन धर्म में दीपावली का त्यौहार सबसे ज्यादा विशेष महत्व रखता है। इसे पंच पर्व और प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या की तिथि को मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस साल 2023 में 12 नवंबर को दीपावली मनाई जा रही है। यह त्यौहार हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और देश भर में सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली माना जाता है। दीपावली पर लोग अपने घरों में जगमग करते हैं और भगवान श्री राम जी की पूजा विधि पर लोग दीपक जलाकर घरों को रोशन करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि दीपावली पर दिए ही क्यों जलाए जाते हैं? है ना सोचने की बात। और ये बात भी सोचने की है कि दिवाली के दिन दीपक किस विधि से जलाना शुभ माना जाता है। जी हाँ, जिससे व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती है और नहीं भी होती हैं। तो चलिए जानते हैं आगे। घरों में दिवाली के दिन दिए जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि अगर आप दीपमाला कर रहे हैं तो इस दिन पूजा करने के दौरान माता लक्ष्मी के सामने घी और सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि घी का दीपक आपने बाएं हाथ की ओर से जलाए और तेल का दीपक आप अपने दाएं हाथ की ओर से जलाएं। पूजा के बीच में कभी दीपक बुझना नहीं चाहिए और दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के सामने ही रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि नियमित रूप से दीपक जलाने से वास्तु दोष से छुटकारा जो है वो मिल सकता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि पूजा में कभी भी खंडित और इस्तेमाल किए हुए दीपक को नहीं जलाना चाहिए। इससे अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं जो कि व्यक्ति की समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। दिवाली के दिन सबसे पहले सभी दियों को अच्छे से धोकर उन्हें सूखने के लिए रख दें। उसके बाद उन्हीं दियों में सरसों का तेल डालें और शाम के समय में सभी दियों में सफ़ेद बत्ती बनाकर रख दें। पहले ज़माने में लोग क्या करते थे कि दियों में बत्ती बनाकर जो लगाते थे उसमें कपूर को पीसकर उसकी बत्ती पर लगा देते थे, लेकिन अब जो मार्केट में बत्ती बनी बनाई भी मिल जाती है तो आप आसानी से बत्ती जो है वो बत्ती का पैकेट लेकर दियों में लगा सकते हैं। इसके बाद जब दिया आपके तैयार हो जाए तो सभी देवी देवताओं का ध्यान करें और दीपक जलाएं। उसके बाद सभी दियों को घरों के कोने में रखें, इससे शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। अगले दिन सुबह जले हुए सभी दियों को उठाकर रख दें और संध्या के समय उसी प्रकार दीपक जलाएं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह की जानकारी जानने के लिए जुड़े रहें अर्थ प्रकाश के साथ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।